हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग समाकलन की विधियों को देखने वाले हैं। इसलिए मैंने हेडिंग दे दिया है समाकलन की विधियाँ, यानी मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसे समाकलन की चार विधियाँ होती हैं, लेकिन आपके बुक में दो ही विधि दी हुई है। पहली विधि दी हुई है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, अंग्रेजी में बोलेंगे मैथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मैथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और दूसरा है आपका खंडशह विधि, खंडशह विधि, यानी मेथड ऑफ पार्ट्स, मेथड ऑफ पार्ट्स। ऐसे अन्य दो विधियां भी हैं, उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। तीसरी विधि का हम लोग देते हैं रूपांतरण विधि या रूपांतर विधि, रूपांतर विधि, रूपांतर विधि, यानी मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और चौथी विधि हो जाएगी आंशिक भिन्न विधि, आंशिक भिन्न विधि, यानी मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सबको देखेंगे। आज की क्लास में लोग प्रतिस्थापन विधि के बारे में ही बात करेंगे। तो इस विधि में किया क्या जाता है, हम लोग जो दिया हुआ फंक्शन का समाकलन निकालना होगा उसे सिंपल फॉर्म में पुट करके उसको निकाल लिया जाता है और फिर उसका समाकल याद किया जाता है। जैसे मान लो आपके पास कोई फंक्शन दे, इंटीग्रेशन फॉर्म में निकालना हो, एफ एक्स इंटू में एफ डैश एक्स डी एक्स, इस तरह का कोई फंक्शन हो जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे हम लोग इसमें पुट कर देते हैं एफ एक्स इक्वल टू में टी, और इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा f डैश x इक्वल टू में डी टी बाई डी एक्स, ये dx इधर आ जाएगा, तो यहाँ से f डैश x डी एक्स इक्वल टू में डी टी। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको चेंज कर देंगे, एफ एक्स को हमने t लिया था और f डैश x डी एक्स किसके इक्वल आ गया, डी टी के। तो अभी हमें यहाँ क्या करना है, t का इंटीग्रेशन करना, समाकल याद करना है t के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा इसका t स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब वापस से यहाँ t का वैल्यू जो फंक्शन था वो रख देंगे, यानी कि f स्क्वायर x बाई में टू प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल मेथड है प्रतिस्थापन विधि। और चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन और कुछ फॉर्मूले भी देखते हैं। मान लो हमें इंटीग्रेशन याद करने के लिए कह दें cos ax प्लस बी का x के रेस्पेक्ट में, तो हम इसमें पुट कर देंगे ax प्लस बी को t, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन है और इधर आ जाएगा dt टी बाई में डी एक्स, यानी आ जाएगा a dx एक्स इक्वल टू में dt, और ये भी लिख सकते हैं हम लोग dx एक्स इक्वल टू में dt टी बाई में a कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखिए cos यहाँ पे ax एक्स प्लस बी का वैल्यू t हो गया, तो देखो तो ये कितना सिंपल हो गया, cos का हमें इंटीग्रेशन पता है, समझ गए ना। और डी टी के जगह पे आ जाए, डी एक्स के जगह पे आ जाएगा डी टी बाई में ए, आपका कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल देंगे वन बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो वन बाई ए कॉस का क्या होता है, कॉस का हो जाएगा साइन टी और प्लस सी, टी का वैल्यू यहाँ रख दो वन बाई ए और इंटू में साइन, साइन टी के प्लेस पे आ जाएगा ए एक्स प्लस बी और प्लस ए कॉन्स्टेंट सी, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी हमने देखा कि इंटीग्रेशन जब कर रहे थे cos ax प्लस बी का x के रेस्पेक्ट में, तो कुछ ऐसा हम लोग लिख रहे थे sin ax प्लस बी और प्लस सी, और यहाँ वन बाई ए दे रहे थे। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि इसके अंदर ये जो एंगल देख रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन को यहाँ डिवाइड में दिया जा रहा है। इसका मतलब अगर हमें sin sin ax प्लस बी का निकालना होगा तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो माइनस का कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी, और ये इसका डिफरेंशिएशन ए होगा इसलिए इसे डिवाइड में दे देंगे।
यानी अगर इंटीग्रेशन दिया हो कॉस 5x का, तो इसको लिखेंगे 1/5, इसका डिफरेंशिएशन या डिवाइड मिलेंगे, और साइन 5x प्लस सी, यही ना तरीका हुआ, सही समझ आएगी नहीं बात को, तो क्लियर हो गया। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग फॉर्मूले देख लेते हैं जिनका यूज हम लोग इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। हमें इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² + x² की बात करें तो इसका हो जाएगा 1/a tan inverse x/a प्लस सी। तो इसको प्रूव करने का कितने सारे तरीके हो सकते हैं, चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। हम लोग यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन निकालना है 1/a² + x² dx इसका, तो हम लोग एक काम करते हैं इसमें पुट कर देते हैं x = at, ठीक है। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका 1 हो जाएगा और इधर a dt/dx, ठीक है। तो इसको इधर लाते हैं तो dx = हो जाएगा a dt, समझ रहे ना बात को। चलिए अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² + में x की जगह पे at रखेंगे तो a²t² हो जाएगा और यहाँ dx की जगह पे a dt, नीचे आपका ए स्क्वायर कॉमन है तो 1+t² हो जाएगा यहाँ और यहाँ a dt, एक ए से एक एक काट देंगे ये। चलिए 1/a कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1+t²dt, 1/a यहाँ से क्या हो जाएगा इसका tan inverse t + c, और t का यहाँ वैल्यू रख देते हैं 1/a tan inverse, t का वैल्यू क्या है और t का वैल्यू यहाँ से देखो आप निकाल सकते हैं x/a है, ठीक है। तो यहाँ पे x/a और प्लस में c, यानी कि हमें यहाँ फॉर्मूला मिल गया ना dx/a² + x² का 1/a tan inverse x/a, ठीक है प्लस c, समझ गए। अच्छा इसके अगर यहाँ निगेटिव में देते हैं तो इसे हम लोग कॉट में भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, पता है ना आपको। चलिए अगला देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² - x² x के रेस्पेक्ट में, तो इसका हो जाएगा sin inverse x/a + c, चलिए इसका भी हम लोग प्रूफ देखते हैं 1/√a² - x², तो हम लोग एक काम करते हैं इसमें पुट करते हैं x के प्लेस पर at, यानी कि यहाँ से t का वैल्यू x/a हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 1 = में a dt/dx, ये इधर आ जाएगा dx = में हो जाएगा a dt, ठीक है क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 1/√a² - x की जगह पे at का स्क्वायर हो जाएगा और dx की जगह a dt आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं इंटीग्रेशन 1/ यहाँ रूट से ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे 1 - t² यही ना बचेगा और यहाँ पर a dt, रूट से ये बाहर निकलेगा तो 1/a√1 - t² a dt, ए से ए यहाँ कट जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - t² dt ये ना हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं sin inverse t हो जाएगा और प्लस में सी, टी का वैल्यू वापस यहाँ रख दो तो sin inverse x/a + c आ गया ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रूफ की तरफ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर, हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x√a² - a² dx = में हो जाएगा 1/a sec inverse x/a + c। तो अब इसमें भी देखिए हमें इंटीग्रेशन निकालना है 1/x√x² - a² का x के रेस्पेक्ट में, इसमें हम लोग पुट करते हैं x = at, यानी कि यहाँ से t = में हो जाएगा x/a, इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका 1 और इधर a dt/dx आ जाएगा, यानी dx = में क्या आ जाएगा a dt, ठीक है। चलिए बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/ में x की जगह पे यहाँ at आ जाएगा और √x के प्लेस पर यहाँ पर at² है तो स्क्वायर कर देंगे और माइनस का a², यहाँ dx की जगह क्या आ जाएगा a dt आ जाएगा, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, नीचे देखिए
इंट्रीगेशन ऊपर ए है, वन में जैसे बट ये ही ना होगा, और नीचे आपका ए टी, या काट सकते थे, पहले हम लोग काट ही देते हैं, एक ये और ये यहाँ कट जाएगा। अच्छा, वन बाई टी रूट अंडर ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी टी, अंदर ए स्क्वायर है बाहर निकाल लेते हैं, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा वन बाई टी रूट अंडर ए स्क्वायर कॉमन कर देते हैं तो टी स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा और यहाँ पे डी टी। चलिए अब आगे यहाँ पर देखते हैं, इंटीग्रेशन वन बाई यहाँ ए बाहर निकलेगा तो कॉन्सेप्ट है यहाँ लगा देते हैं टी रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस वन डी टी, यहाँ हो जाएगा वन बाई ए, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सेक इनवर्स टी ना, और प्लस में सी टी का वैल्यू वापस रख दो, वन बाई ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया, समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि कांत सर, और तीसरा चैनल है रवि का आंसर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।